भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की दिल्ली वाली स्थिति बन सकती है। हरियाणा में कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विपक्ष बिखरा हुआ है। हुसैन सोमवार को रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हरियाणा में भाजपा के 75 पार के नारे पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में किया गया सिर्फ एक वादा पूरा नहीं किया, वो है कांग्रेस मुक्त का नारा। हरियाणा में कांग्रेस ऐसे चल रही है, यानी हुड्डा कांग्रेस। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के आने का यदि किसी को विश्वास है तो वो राहुल गांधी को है, क्योंकि वे दिल्ली से रोहतक आए हैं और राहुल गांधी दिल्ली से बैंकॉक चले गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र भी किया और हरियाणा को मोदी की कर्म भूमि बताया। रहती है तो वो भारत में रहती है। पूरे दुनिया के मुसलमानों ने रेडिकल इस्लाम के रास्ते पर चलने वाले लोगों को अपनाने का काम किया, लेकिन अकेला भारत है, ये भारतीयता है कि भारत के मुसलमानों ने आईएसआईएस बगदादी और रेडिकल इस्लाम की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। कोई आतंकवाद के रास्ते पर नहीं गया। आज मुस्लिम समाज के लोग मिलते हैं, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने कितनी बड़ी वकालत की पूरी दुनिया में जाकर भारत के मुस्लिम समाज के बारे में तर्जुमानी की। आज अगर पाकिस्तान समझता है कि वो भारत के बारे में बोलकर दुनिया के इस्लामिक मुल्कों की सिंपैथी ले लेगा, वो भूल में है। कोई सिंपैथी मिलने वाली नहीं है। हम मिलकर इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक क्वार्टर में जीडीपी थोड़ा नीचे गई, लेकिन अगले क्वार्टर में और उछाल मारेंगे। और अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड वॉर है उसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो भारत को होगा, और भारत में भी सबसे बड़ा फायदा होगा तो हरियाणा को होगा, क्योंकि पहले से बहुत सारी कंपनियां हरियाणा में आने के लिए आतुर हैं। तो नरेंद्र मोदी की नीति का वजह से हरियाणा और देश को बड़ा लाभ होना है। मेरा आपके जरिए हरियाणा की जनता से अपील है कि जैसे लोकसभा में आपने एक तरफा मत हमें दिया, विधानसभा में भी अपना मत इधर उधर मत कीजिए, सीधा मत नरेंद्र मोदी और कट्टर जी के साथ लाइए। एक बार फिर से सेवा का अवसर दीजिए, विकास किया है, विकास करके दिखाए। बीजेपी का 75 पार का नारा है तो कांग्रेस का ये है, इस बार बीजेपी हरियाणा से बात उन्होंने ये नारा लगाने में क्या है कांग्रेसियों को, वो तो कह रहे थे आधी रोटी खाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, अभी तक गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस कह रही है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो क्या क्या करेंगे। राहुल गांधी जी ने चुनाव के टाइम में नारा दिया था ना, अब होगा न्याय, कहा था ना देखो क्या लाया हूँ, जरा देखो, देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब होगा न्याय, कर दिया न्याय, हरियाणा के लोगों ने कर दिया था न्याय। तो नारे कुछ भी लगाते रहे, अब आपके सामने आएंगे कुछ तो कहेंगे। भाजपा के प्रवक्ता बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए धन्यवाद सर। थैंक्स जी, प्रवक्ता है, हां ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी पहला चुनाव है जिसके मुख्यमंत्री के दामन पर कोई दाग नहीं। ये पहला चुनाव है जिसमें बीजेपी के नेता से ज्यादा आगे बढ़कर हरियाणा की जनता बोल रही है अब की बार 75 के बाद। कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सामने घुटने टेके, क्योंकि उन्होंने पहले से ही कांग्रेस को ये धमकी दे दी थी। उन्होंने एक अच्छी बात तो कही थी कि धारा 370 पर वो सरकार के पक्ष में है, जो निर्णय किया गया नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जरिए धारा 370 को समाप्त करने का, उसका समर्थन उसमें उन्होंने किया था। और फिर ये कहा था कि वो आगे की रणनीति कैसी बनाए वो तय करेंगे। तो कांग्रेस नेतृत्व ने जो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे तंवर साहब की बलि दी, हुड्डा साहब को खुश करने के लिए,